दराज से कुछ बेकिंग का सामान मंगवाया था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, साथ साथ प्राइसेस भी आपको बताऊंगी कि किस प्राइसेस पे मुझे मिले हैं और कहाँ से मैंने बाय किए हैं, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए और आप लोग भी वहाँ से जो है वो बाय कर सकें। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे, और साथ में ये भी बताऊंगी मैं आपको कि ये मैंने ये दराज से जो शॉपिंग की है वो अच्छी भी है या नहीं। आपके सामने ही इनकी अनबॉक्सिंग की जाएगी, तो चलें इनकी जल्दी से जो है वो पैकिंग को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग जो अनपैकिंग हो रही है, और साथ ही सबसे पहले जो है वो फ्रोस्ट केक फ्रोस्टिंग के लिए मेरे पास इस तरह की जो क्रीम को इक्वल करते हैं स्पैचुला टाइप से, ये तीन और ये निकले हैं, और ये ऊपर जो है वो स्टोर का नाम भी मेंशन है अगर कोई बाय करना चाहिए। मुझे 500 में तीन मिले हैं, बहुत प्यारे थे। और इसके बाद जो है वो सेकंड ये नोजल्स है, इसमें पाइपिंग बैग भी था, लेकिन इसकी क्वालिटी वगैरह मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं लगी है। और ये मैं नहीं कहूँगी कि आप बाय कीजिए, कि इसमें 8 से 10 नोजल्स थी और साथ में एक बैग था जस्ट, और ये 300 का था। और साथ ही जो है वो मैंने सिल्वर में जो है वो ये मोल्ड, पांच 5 मोल्ड थे और हर साइज का मोल्ड था, जो कि मुझे 1300 में पड़े थे। और सिल्वर में इसलिए मैं बाय करती हूँ क्योंकि सिल्वर में जो बेकिंग है वो बहुत अच्छी होती है। इस तरह से मैं आपको साइजेस भी दिखा देती हूँ, ये देख ले हर साइजेस के हैं। इसमें जो है 1 पाउंड का केक बनता है, 2 का 4 का, यानी कि 5-6 पाउंड तक इनमें इजीली जो है वो, मैं हर साइज का आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें इजीली जो है वो केक जो है वो हर साइज का बन जाता है। ये 9 इंच का वो जो 400 का पड़ा है, ये 2100 की जो है वो 3 चीज़ें पड़ी थी। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर जैसे सेल लगी होती है और $1 $2 की शॉप से अगर आप बाय करें, तो ये बहुत कम प्राइजेस पे जो है वो आपको इजीली मिल जाती है। इतनी भी क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं थी जितना कि इन्होंने हमसे चार्ज किया है। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।